सबसे बड़ा अपडेट ये कहा जा सकता है कि कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी मैं मौके पर मौजूद हूँ जहाँ पर घटना हुई और दर्दनाक हादसा कहा जा सकता है, 5 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है, वो मौजूद है। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता यहाँ पर पहुँचे, बकायदा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, घटनास्थल का जायज़ा लिया गया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से एक दर्दनाक हादसा जिसमें 5 स्कूली बच्चे जो स्कूल से अपने घर जा रहे थे, जिनकी दर्दनाक इस हादसे में मौत हो गई। इनोवा कार चालक को हाल में पुलिस ने हिरासत में लेकर गिरफ्तार की पुष्टि कर दिया है और कलेक्टर ने जानकारी दी है कि पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल बड़ी एक्शन दिखाया जाए, कार्रवाई जो कठोर रूप से की जाए कि किस तरीके से। और एक बड़ी जानकारी ये भी निकल कर आई है कि इनोवा कार चालक है वो शराब के नशे में था। यहाँ पे पुलिस मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हादसा हुआ, क्या तफ्तीश दिखाई। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो लोगों की भीड़ है वो बड़ी संख्या में जुटी हुई है, लेकिन एक दर्दनाक हादसा कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर दुख जताया है, राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने भी दुख जताया है और तमाम जो जनप्रतिनिधि है, सांसद की बात हो, विधायक की बात हो, पूर्व विधायक की बात हो, तमाम जिन्होंने दुख जताया। लेकिन यहाँ के लोग हम उनसे जानते हैं, हादसा हुआ उस समय आपने देखा क्या? सर देखा था, बच्चे रोड पे आ रहे थे और पीछे से इनोवा गाड़ी आई, उसको टक्कर मार के सर चली गई, फिर भागी सर, और वो ड्राइवर था उसको पकड़ा सर। ये स्कूल के बच्चे थे वो जा रहे थे, तो क्या वो शराब के नशे में था चालक, या क्या दिखाई दिया? सर वो बिल्कुल नशे में था, स्मैक और शराब के नशे में, बिल्कुल नशे में था सर। उधर से आया और वापस उधर, दो बच्चे उधर से मारा सर, रोड के पूरी गाड़ी घूमती हुई सर, दोनों साइड गाड़ी घूमती रही है सर यूँ, और बच्चों को मार दिया सर। ये हादसा आपने देखा, कैसा हादसा था, किस तरीके से अनियंत्रित हुई? बहुत दर्दनाक हादसा था। कलेक्टर पहुंचे, क्या सांत्वना दी? कलेक्टर साहब ने कहा कि उचित कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषियों के खिलाफ होगी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी राज्य सरकार से मतलब इनको सहायता मिले उसकी पूरी कोशिश करेंगे। तो एक दर्दनाक हादसा कहा जा सकता है। जी श्वेता।